Johnson? Yes, sir. सो मेरा नाम रानी अहिरवार है, मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महारानी अवंतीबाई हाई स्कूल से की थी। इंजीनियरिंग करने के बाद आपको क्यों लगा कि आपको प्रशासन में आना चाहिए? सर, इंजीनियरिंग करने के बाद प्रशासन में आने का अर्थ ये था कि जब मैंने अपनी जब मैंने अपनी क्षमताओं को देखा कि मैं किस चीज में बेहतर कर सकती हूँ। क्षमता इसे बतलाइए जो आपने देख लिया बाहर से ही, देख कर आपने तय किया कि हमको डिप्टी कलेक्टर बनना चाहिए। हार्ड वर्किंग सर, लगन से सर। जितने इंजीनियरिंग पढ़े थे आपके साथ सब हार्ड वर्किंग रहे होंगे। जी सर। तभी उन्होंने पास किया होगा। जी सर। और सर, क्योंकि मुझे लगा क्योंकि मैंने हिंदी माध्यम से आके और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपनी इंजीनियरिंग खत्म करी है सर, और मुझे लगता है कि मैं जिस फील्ड में जाऊँगी सबसे अच्छे मार्क्स करने के सम्राट अशोक, जब उनको उनके पिता ने उज्जैनी का गवर्नर नियुक्त किया तो वो विदिशा से गए और वहाँ पर उनकी ससुराल भी है, वहाँ पर महादेवी है जहाँ जिनसे उनका विवाह हुआ सर, और उसके साथ ही उन्होंने पास ही में स्तूप भी बहुत सारे बनवाए वहाँ पे सर, सांची में। कौन से स्तूप बनवाए? सांची में उन्होंने सर तीन, संख्या तो उनकी काफ़ी ज़्यादा है सर, 84,000 बोलते हैं, बट अभी जो बड़े स्तूप हैं वो तीन ही हैं वहाँ पर। और एक कॉम्प्लेक्स टाइप का भी है, बगल में सुनारी क्षेत्र भी है, वहाँ पर भी कुछ स्तूप आए गए हैं। सुनारी स्तूप? यस सर। सांची का जो मुख्य स्तूप है? यस सर। उसमें क्या है? उसमें सर बुद्ध के जो शिष्य थे मोगली पुत्र और एक और सर है, मैं नाम नहीं याद कर पा रही, सारी पुत्र उनके दो शिष्यों का कहते हैं कि उनमें उनके अस्थि पंजर है सर। विदिशा को मध्यकाल में भिलसा के नाम से भी जाना जाता था। कारण? सर, विदिशा को गुप्त साम्राज्य के बाद 7th AD के आसपास सर, वहाँ पर कहते हैं कि जो पुरानी नगरी थी वैष्णगर, वो जब ध्वस्त हो गई थी तो दूसरी बेतवा नदी की दूसरे साइड पर हमने एक नया भिल्ल स्वामिनी मंदिर, सूर्य मंदिर का वहाँ से संबंध है, और नई नगरी यहाँ पर बसाई गई सर। भिल्ल स्वामिनी का नाम भिल्ल का नाम पड़ गया सूर्य मंदिर के कारण। खाम बाबा क्यों फेमस है? खाम बाबा सर 2nd century BC में यूनान के एक राजा थे, उन्होंने अपना राजदूत भेजा हेलियोडोरस, एंटीकलास ने अपना राजदूत भेजा हेलियोडोरस, वो जब आए तो वैश्य धर्म के प्रचार के लिए उनके साथ कुछ 8 पताकाएं भेजी गई थी, लेकिन वर्तमान में अभी 8 तो है नहीं, एक ही पताका है जिसे गरुड़ पताका भी कहते हैं सर, और वो खाम बाबा के रूप में वहाँ पर मिलती है। वहाँ पे उसका कुछ ऐसी मान्यता भी है कि वहाँ पर समुदाय रहते हैं, स्थानीय समुदाय, वहाँ पर उनका तंत्र विद्या जैसा कुछ वहाँ पर उनकी ऐसी व्यवस्था रहती है सर। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ? यस सर, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। विदिशा में कितनी तहसीलें हैं? सर, विदिशा में 12 तहसीलें हैं सर। 12 तहसील। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी सर विदिशा ही है सर, सबसे बड़ी विदिशा की गुलाबगंज है, तो विदिशा सबसे बड़ी है सर। कौन है अभी विदिशा कलेक्टर? विदिशा के कलेक्टर हैं श्री उमाशंकर भार्गव सर। उमाशंकर, विदिशा अच्छा तैयार कर रखा आपने, के तहत एक ऐसी अवधारणा है कि पूरे देश में एक ही दिन में या एक ही कुछ टाइम पीरियड में हम एक साथ चुनाव करवा सके, जिसके तहत जो प्रशासनिक खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है वो हम रोक सके। एक दिन में पूरे देश में चुनाव करवाना संभव है? सर, पूरे देश में चुनाव करवाना एक दिन में तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। हालांकि अमेरिका जैसे देशों में ऐसे कुछ कंसेप्ट चल रहे हैं कि वहाँ पर एक ही दिन में आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, लेकिन हमारे देश में हम कुछ और दूसरे मॉडल बना सकते हैं सर। कैसे? मान लीजिए आप मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए देश के, कैसे करवाएंगे एक दिन में चुनाव? जी सर, अपनी पुरानी प्रशासनिक और सारे सिस्टम को देखते हुए सर, मेरे हिसाब से अगर हम एक मॉडल ऐसा लाएं कि हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवा लें और राज्य स्तर के चुनाव अपने स्तर पर होने दें, पंचायतों के चुनाव, और हम कुछ जैसे 5 साल में एक बार चुनाव हो, तो हम 2-3 महीने में कुछ डेट ऐसी फिक्स कर दें कि जिन पर आपको चुनाव करवाना है सर। तो एक दिन में चुनाव करवाना इसका मकसद है कि लोकसभा विधानसभा एक साथ करवाना? सर, मकसद लोकसभा विधानसभा को एक साथ करवाना है, जिससे हर साल, क्योंकि
क्योंकि सर हर साल हमारा देश चुनाव के मोड में रहता है। इस साल चुनाव है 5 राज्यों में, अगले साल भी चुनाव है सर। क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ जाएगा सर कि जो प्रशासन के इतने सारे अधिकारी जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सकते हैं वो वास्तविक कार्य छोड़ के सर इस कार्य में उनको लगना पड़ता है। जब भी इलेक्शन होगा तब करेंगे। और थोड़ा सोचिए जी सर, और थोड़ा सोचिए भाई, जब भी इलेक्शन होगा जी सर, चाहे एक साथ हो चाहे अलग अलग हो उससे सर हम समय की बचत कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने ढाई साल समय की बचत कर सकते हैं, इलेक्शन में तो उतना समय लगेगा जी सर। इलेक्शन में समय जरूर लगेगा लेकिन ऐसा हो जाएगा कि जैसे अभी हर साल चुनाव हो रहे हैं, हर साल चुनाव में 2 महीने 2.5 महीने सरकार के जा रहे हैं, अधिकारियों के खर्च हो रहे हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा मॉडल लिया है कि मान लो 2 साल में अलग अलग स्टेट के अलग अलग ऑफिसर है ना जी सर, कुछ और क्या है नुकसान? जो मुख्य नुकसान प्रशासन किसके लिए है? लोगों के लिए सर, जनता के लिए। वो लोगों की ओर से सोचिए तो आपको जवाब मिल जाएगा जी सर। लोगों को क्या परेशानी होती है सर? लोगों आचार संहिता लगी रहती है, आचार संहिता लगी रहती है सारा साल, आचार संहिता, उनके जो कार्य रहते हैं वो नहीं पूरे हो पाते सर जी। प्रशासन को तो एक बार करना ही पड़ेगा, वो 5 साल में एक बार करना पड़ेगा, वो चाहे अपने स्टेट के अंदर करे पूरे देश के अंदर करे, उनको तो उतना समय देना ही है जी सर। वेब सीरीज देखना इनकी होगी। हाँ अच्छा अच्छा, कौन सी देखी अभी लेटेस्ट वेब सीरीज? सर अभी मैं लेटेस्ट रॉकेट बॉय देखना स्टार्ट किया है, पूरा नहीं कर पाया। कौन सा? रॉकेट बॉय सर। रॉकेट बॉय सोनी लिव वाला? यस सर। किस पर बेस्ड है वो? सर होमी जहांगीर भावा और सर विक्रम साराभाई के ऊपर। कौन थे होमी विक्रम साराभाई? कौन थे सर विक्रम साराभाई? इन्होंने इनको हम हमारे स्पेस में जो इसरो इन्होंने स्थापना करी उसका इनको पिता बोला जाता है सर। उसका इनको पिता बोला जाता है। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा? सर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हमारे देश में न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे सर, उनका रुचि थी एटम के ऊपर। ऐसा अभी मूवी भी बता भी रहे सीरीज में कि एटम बम बनाना शायद उनका इच्छा थी। कुछ नुकसान है? बहुत नुकसान है जी सर। मिर्जापुर में देखी होगी आपने? नहीं देखी। उसकी भाषा लैंग्वेज आपने देखी हो? नहीं देखी हो तो देखते हो उसकी भाषा न्यूडिटी असभ्यता गाली गलौज क्या सोचती है होने वाले अधिकारी के तौर पर क्या विषय परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते कई जी सर, कई बार अकेले भी नहीं देख सकते, इतना भद्र भाषा है, इतनी न्यूडिटी है जी सर। बिल्कुल सर, इसके लिए आप जो कह रहे हो बात बिल्कुल सही है कि कुछ समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं सर। ये समस्याएं ऐसी हैं जो समाज पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, समाज के लिए खतरा हो सकती है सर। हमको कुछ चीज़ों को फिल्टर करना चाहिए। जैसे हम हर चीज़ को बोलते हैं कि आप रेगुलेट करिए, आप इतना ही जाने दीजिए, क्योंकि एक स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है सर कि आप देखें कि समाज में कैसा चल रहा है सर। तो मुझे लगता है कि सरकार इस रास्ते में कदम भी उठा रही है, कुछ नई गाइडलाइंस भी आई हैं, कुछ समितियाँ भी बन रही हैं जो बताएँ कि आपको कितना इनका नियमन करें, कितना इनको रेगुलेट करें, और रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है सर।